बड़वानी जिले के सेंधवा में लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा विशाल निःशुल्क स्वास्थ्य प्रशिक्षण शिविर का किया आयोजन। नेहरू स्मृति हायर सेकेंडरी स्कूल बीएड कॉलेज पर बड़े पैमाने पर चिकित्सकों द्वारा स्वास्थ्य प्रशिक्षण व जांचें निःशुल्क की गई, जिसमें इंदौर संभाग के मेडिकल कॉलेज के विभिन्न निजी चिकित्सा महाविद्यालय में बड़े बड़े अस्पतालों से 100 से अधिक चिकित्सक पहुँचे और हजारों मरीजों का स्वास्थ्य प्रशिक्षण कर उपचार किया। उक्त शिविर विशाल रूप से आयोजित किया गया। शिविर का शुभारंभ में सांसद गजन सिंह पटेल, राज्यसभा सांसद सुमेर सिंह सोलंकी, अनुसूचित जनजाति आयोग राष्ट्रीय अंतर सिंह आर्य, नपा अध्यक्ष बसंती बाई यादव, जिला संभाग के स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारी डॉक्टर नर्स नपा अमला सेंधवा ने अपनी सेवाएं दी। वहीं सेंधवा के शिक्षा प्रसारक समिति द्वारा इस शिविर में आए 10,000 से अधिक लोगों को निशुल्क कड़ी खिचड़ी और अग्रवाल समाज द्वारा निशुल्क चाय का वितरण कर सहभागिता की गई। शिविर में 800 से अधिक सोनोग्राफी, सैकड़ों इकोकार्डियोग्राफी, हजारों ब्लड टेस्ट, एक्सरे किए गए। 16 बच्चे हृदय में से एक तरह के ऑपरेशन के लिए चिन्हित किए गए। वे विभिन्न प्रकार के कैंसर, महिलाओं को कई तरह के रोग, विशेष वेन आई थी जिसमें जाँच की गई। वृहद शिविर का आयोजन किया गया था, किस तरह से सहभागिता रही स्कूल की और आयोजन कितना सफल रहा? मध्य प्रदेश शासन के द्वारा जो ये वृहद स्वास्थ्य शिविर आयोजित किया गया था, मेरी जहाँ तक जानकारी है सेंधवा का ये सेंधवा के इतिहास में सबसे बड़ा शिविर था ये, जिसमें लगभग 7,000 मरीजों की जांच हुई है ऐसा बताया गया है। तो हमने इस शिविर में जितने भी मरीज थे या उनके साथ आने वाले सहयोगी थे उनके लिए कड़ी और खिचड़ी की व्यवस्था रखी थी ताकि आने वाले व्यक्ति को किसी प्रकार की समस्या न हो, और अग्रवाल समाज सेंधवा की ओर से चाय की व्यवस्था निःशुल्क रखी गई थी। तो मेरा अनुमान है कि 10,000 से 12,000 लोगों ने कड़ी खिचड़ी का भोजन किया और चाय का उपयोग किया, और जिन उनको जो संतुष्टि मिली है तो उनको ऐसा लगता है कि हम समाजसेवी संस्थाओं को हमेशा ऐसे कामों में आगे रहकर और किसी भी तरह से किसी की जो सहयोग कर सकते, मदद कर सकते, करते रहना चाहिए। विद्यालय का भवन और आपकी समिति के सारे शिक्षक और स्टाफ को आपने उपलब्ध कराया, क्या कहिए? जहाँ तक हमने ये भवन और ये उपलब्ध कराया, ये तो हमने अपना कर्तव्य मान के उपलब्ध करवाया, किंतु जहाँ तक हमारे शिक्षक वर्ग ने आज जो यहाँ सेवाएँ दी है, शहर के जिस भी व्यक्ति ने देखा है तो उसने उनको सैल्यूट किया है कि वास्तव में शिक्षकों ने जिस समर्पण भाव से काम किया है, इसे समर्पण भाव से सब लोग अगर काम करने लग जाएं तो मैं सोचता हूँ कि कई समस्याएं हमारी ऑटोमेटिक निपट जाती है। मैं सबसे पहले इस उपलक्ष्य में हमारे शिक्षक वर्ग को समिति की ओर से बहुत दिल से बधाई देता हूँ और धन्यवाद देता हूँ। आज क्या कुछ खास रहा शिविर में? आज के शिविर में इंदौर के निजी चिकित्सालयों के साथ साथ मेडिकल कॉलेज, खंडवा मेडिकल कॉलेज के भी लोग आए थे, जिला चिकित्सालय से मेडिकल बोर्ड आई थी। तो विशेष करके आज इस शिविर में हमने 46 बच्चों का इकोकार्डियोग्राफी राष्ट्रीय अपोलो की टीम के द्वारा किया गया, और उसमें से 16 बच्चों को बाल हृदय की बीमारी के निःशुल्क इलाज के लिए चिन्हित किया है। इन पूरे 16 बच्चों का हम आगे चल करके निःशुल्क ऑपरेशन कराएंगे। इसके अलावा यहाँ पर सोनोग्राफी की व्यवस्था थी, सोनोग्राफी के अंदर भी 800 से अधिक गर्भवती माताओं की और दूसरी सब मिलकर सोनोग्राफी की है। इसके अलावा हमारे पास में कैंसर फाउंडेशन की टीम थी, उन्होंने भी कैंसर के कुछ मरीजों को चिन्हित किया है, और मेमोग्राफी की एक मशीन यहाँ पर लगाई गई थी जिसमें 40 से ज़्यादा महिलाओं की मेमोग्राफी की गई।